स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Realme C2 या फिर किसी भी Realme के फ़ोन पर ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज सेटिंग कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कैसे आप Realme के फ़ोन पर ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज सेटिंग को आप कर सकते तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जाना होगा आपके फ़ोन के सेटिंग्स पर, ठीक है। तो आप अपने जो फ़ोन के सेटिंग है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो यहाँ में दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना है। तो उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट वॉलपेपर, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप कैसे, ठीक है, ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ में दोस्तों आप जब सेटिंग सेट वॉलपेपर को ओपन करते हैं तो यहाँ में दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आपका होम स्क्रीन नहीं, आपका यहाँ पे लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर होता है आप उसको ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जाना होगा लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऊपर में, आपको टैप कर देना है और आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन मैगजीन। तो सिंपली दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना है, ठीक है। तो इसको ऑन करते जब भी आपका यहाँ पे फ़ोन लॉक होगा तो यहाँ में दोस्तों आपका जो वॉलपेपर है, ठीक है, लॉक स्क्रीन में वो यहाँ पे बदलते रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज सेटिंग जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर में मिलता है, ना कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन के लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन का जो यहाँ पर वॉलपेपर है उसमें आपको ऑटोमेटिक चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा आपको कैसे जो है रियलमी के फ़ोन पर ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज सेटिंग को आप बना सकते हैं। तो मुझे और मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।